तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। लेक्चर नंबर 3 आप देख रहे हैं। सवाल को पढ़ लेते हैं पहले, क्या लिखा हुआ है। लेट ए एंड बी बी द टू बी द सेट्स। ए और बी जो हैं वो दो सेट हैं और उनके बारे में ऐसे लिखा हुआ है। एक फंक्शन बना हुआ है ए इंटू बी टू बी इंटू ए के बीच, और उस फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया है कि एफ ए कोमा बी अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा बी कोमा ए। हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन किया गया है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ 1.2 लिखा है तो वहाँ पे आपको 2.1 मिल जाएगा, यहाँ 3.5 लिखा है तो आपको वहाँ पे 5.3 मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है, इसे हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव प्रूव करने का मतलब ये है कि पहले हम इसे 1.1 प्रूव करेंगे और उसके बाद हम इसको ऑन टू प्रूव करके दिखाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कि हमें जो फंक्शन दे रखा है वो है एफ़ ए कोमा बी इज़ इक्वल टू बी कोमा ए। उसके बाद जैसे हम लिखा करते थे कि एफ एक्स वन, किसी भी फंक्शन को 1.1 प्रूव करने के लिए हम ऐसे लिखा करते थे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो हमने क्या करा यहाँ पे भी वही लिख दिया है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। वो बात अलग है कि यहाँ पर एक्स वन एक्स टू लिखने के बजाय आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ए वन बी वन और ए टू बी टू। तो जैसा फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है। अगर यहाँ खाली एफ एक्स होता तो आप एफ एक्स वन और एफ एक्स टू लिख देते, लेकिन अभी यहाँ पे एफ ए कोमा बी है इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा एफ ए वन बी वन इज इक्वल टू एफ ए टू बी टू। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, एफ ए बी को हम बी कोमा ए लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे बी वन कोमा ए वन। इसी तरह से उसको क्या लिखा जाएगा बी टू कोमा ए टू। समझ गए होंगे शायद आप इस बात को। इसके बाद अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर की जानकारी है क्लास 11th की तो आप इसको देखकर ये समझ पा रहे होंगे कि जो बी वन है वो किसके इक्वल होगा बी टू के और ए वन किसके इक्वल होगा ए टू के। क्लास 11th में हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में ये पढ़ा था कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उसका मतलब ये है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो बी वन जो है वो बी टू के इक्वल आएगा और ए वन जो है वो ए टू के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको बदल कर ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू कर दें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी तो ए वन इज इक्वल टू ए टू आ रहा है और बी वन इज इक्वल टू बी टू आ रहा है। तो यानी कि हम इस ऑर्डर को चेंज करके लिख सकते हैं इस बेस पर, क्योंकि बी वन बी टू के इक्वल है ए वन ए टू के इक्वल है तो आप आसानी से ऑर्डर बदल कर इनको लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी वही बात आ रही है ए वन इज इक्वल टू ए टू एंड बी वन इज इक्वल टू बी टू। तो हमने शुरुआत की थी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू से और एंड में हमें मिल गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। देखो ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू, एफ ए वन बी वन इज इक्वल टू एफ ए टू बी टू से शुरुआत की थी और मिला क्या ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। तो इस बेस पर ये कहा जा सकता है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक 1-1 फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि f जो है वो एक 1-1 फंक्शन है। बड़ी आसानी से हमने इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इसको 1-1 प्रूव कर दिया है। अब बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए 1-1 के साथ ऑन टू भी प्रूव करना पड़ता है, तो ऑन टू के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो सबसे पहले जो हमने लिखा है ऑन टू प्रूव करने के लिए वो ये है कि लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी इंटू ए। अभी तक जो फंक्शन हमें दिए जाते थे वो इस तरह के होते थे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई टाइप के, तो हम ये लिखते थे कि y जो है ना वो कोडोमेन से बिलोंग करता है। कोडोमेन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये फंक्शन n और n के बीच में बना हुआ है तो हम लिखा करते थे y बिलोंग टू n यानी के कोडोमेन इस तरह से। लेकिन जो अभी हमें फंक्शन दे रखा है वो इस तरह से है, वो एफ एक्स इजिकल टू वाई नहीं लिखा हुआ है, y के बजाय वहाँ पे क्या दिया हुआ है बी ए। तो ये जो बी ए है ये किससे बिलोंग करेगा बी इंटू ए से यानी के कोडोमेन से, इसीलिए हमने लिखा लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी इंटू ए। तो इसका मतलब ये होगा अगर बी कॉमा ए बिलोंग टू बी इंटू ए आ रहा है तो इसका मतलब है कि बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है बी इंटू ए से तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा ए इंटू बी से, क्योंकि यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये भी तो वही बात है ना कि स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए होगा एंड स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी होगा, तो उस बेस पर हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं।
इसके अलावा हमें अपने फंक्शन में ये भी दिया गया है, हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से है, एफ ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए। तो ये जो पूरा हमने करके दिखाया, इससे ये साबित होता है कि जो बी ए कोडोमेन के अंदर मौजूद है उसके अंदर डोमेन के अंदर ए कोमा बी ज़रूर मौजूद होगा, यानी कि कोडोमेन के अंदर हर एलिमेंट, मान लो कोडोमेन के अंदर इस तरह से है 1,3, तो उसके लिए डोमेन के अंदर 3,1 मौजूद होगा। यहाँ पर अगर कोई ऐसे लिखा है 2,5,1 लिखा है, तो उसके लिए यहाँ पर 1,2,5 ज़रूर मौजूद होगा, अगर हम अपने फंक्शन को ध्यान से देख पा रहे हैं तो। इसका मतलब यह है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की डोमेन के अंदर इमेज या प्री इमेज ज़रूर अवेलेबल होगी। अब क्योंकि हर एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पर मौजूद होगी, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक ऑनटू फंक्शन भी है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया कि दैट इज़ फॉर ऑल बी कॉमा ए बिलोंग टू बी इंटू ए, बी कॉमा ए बिलोंग टू बी इंटू ए, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए इंटू बी। हर बी ए के लिए एक ए बी मौजूद होगा, आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हो। तो हर बी ए के लिए एक ए बी ज़रूर मौजूद होगा, हर 1,2 के लिए एक 2,1 होगा, हर 5,3 के लिए एक 3,5 होगा, यानी कि हर एक के लिए कोई ना कोई होगा। तो हर एक के लिए अगर कोई ना कोई होगा तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। तो एंड में हमने लिख दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। अब क्योंकि ये 1,1 ऑन टू दोनों हैं, इसलिए इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जा सकता है। तो ये इसके लिए ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि हमने माना कि एक वाई जो है वो कोडोमेन से बिलोंग करता है। वाई यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का था, वो इस तरह का था बी कोमा ए। अब बी कोमा ए इससे बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो इस बेस पर हम ये भी लिख सकते थे। फिर हमने देखा कि हर बी ए के लिए जो कोडोमेन से बिलोंग करेंगे एक ए बी मौजूद होगा जो डोमेन से बिलोंग करेगा। तो हर बी ए के लिए एक ए बी होगा डोमेन के अंदर। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है। इसके बाद आप ये पूरी लाइन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर इसमें से कुछ थोड़ा सा स्किप भी कर देते हैं तो खाली उससे भी आपका काम चल सकता है, वो भी पूरी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो 1,1 ऑन टू होने की वजह से ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एक और फंक्शन हमारा इंतज़ार कर रहा है। चलिए घर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। एक फंक्शन बना हुआ है नेचुरल नंबर्स के बीच में, उसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर वो नेचुरल नंबर ऑड है तो हमें मिलेगा n प्लस 1 अपॉन 2, और अगर वो नेचुरल नंबर इवन है तो हमें मिलेगा n अपॉन 2। आगे लिखा है फॉर ऑल n दिस स्टेट वेदर फंक्शन f इज़ बाइजेक्टिव। हमें ये पता करना है कि ये जो फंक्शन है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो बड़ी आसानी से कर देंगे। बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले हम 1,1 के लिए चेक करेंगे, उसके बाद ऑन टू के लिए चेक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1,1 से। तो ये फंक्शन 1,1 है या नहीं, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। F3 एक ऑड नंबर अगर हम ले लेते हैं, अगर n ऑड होगा तो हमें ये वाला लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 + 1/2, यानी कि 4/2, यानी कि 2। इसके बाद हम यहाँ पर एक इवन नंबर ले लेते हैं, अगर n इवन होगा तो हमें ये लेना पड़ेगा 4/2, यानी कि 2। तो क्या दिखाई देता है? तो साफ दिखाई दे रहा है कि डोमेन के अंदर दो एलिमेंट हैं 3 और 4, और कोडोमेन के अंदर उनके लिए एक ही इमेज बन रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिले, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज मिले, ऐसा नहीं हो रहा है। अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है। तो ये फंक्शन 1,1 नहीं हो सकता, मैनी 1 ज़रूर हो सकता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि दैट इज़ F3 इज़ इक्वल टू F4, बट 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4। 3 4 के इक्वल नहीं है, लेकिन F3 और F4 दोनों से सेम वैल्यू आ रही है। F3 और F4 दोनों इक्वल हैं, दोनों 2 के इक्वल हैं, लेकिन 3 4 के इक्वल नहीं है। तो इसे साबित होता है कि हमारा फंक्शन 1,1 नहीं है। आप इसके बजाय कोई और एग्जांपल भी अपनी तरफ से ले सकते हैं। तो इसको 1,1 मतलब ये 1,1 नहीं है ये प्रूव करना काफ़ी आसान था। अब बारी आती है ऑन टू प्रूव करने की, मतलब चेक करने की ये ऑन टू है या फिर नहीं है। तो ऑन टू को सही तरह से समझने के लिए पहले हम रफ में कुछ काम करेंगे। रफ में देखेंगे कि ऑन टू है कि नहीं है फंक्शन हमारा।
हमारा जो फंक्शन है वो n और n के बीच में बना हुआ है। एक बार आप देख लीजिए सवाल को, ये देखिए फंक्शन n और n के बीच में बना हुआ है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों के अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर ही आ सकते हैं। और इस तरह से हमारे फंक्शन को डिफाइन किया गया था कि अगर मतलब ऑड होगा n तो n प्लस वन अपॉन टू मिलेगा, और अगर इवन होगा तो n अपॉन टू मिलेगा। तो ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम ऑड ले लेते हैं, मान लो कि हमने f3 लिया तो वहाँ पर हमें मिलेगा 3 प्लस वन 4 अपॉन टू यानी कि 2। और अगर हम इवन लेते हैं तो जैसे हमने 2 ले लिया तो 2 अपॉन टू हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो कोडोमेन के अंदर एक 2 है, उसके लिए डोमेन में क्या है 3 है, वहाँ पर एक 1 है उसके लिए क्या है 2 है। तो 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 3 है। अब ये देख लेते हैं 4 के लिए क्या है, मतलब अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 के केस में सॉरी नीचे वाला आएगा 4 अपॉन 2 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 5 लेते हैं तो 5 एक ऑड नंबर होगा, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 यानी कि 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन नंबर्स को 1 2 और 3, तो अब अगर हम इनको रिलेट करके देखेंगे तो जो 2 है ना उसके लिए 3 है वहाँ पर, 2 के लिए वहाँ पर क्या है 3 है, तो 2 जो है वो 3 से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा 2 के लिए वहाँ पर 4 भी मौजूद है, तो इसका मतलब 2 जो है वो 4 से भी रिलेटेड हो गया। 3 के लिए वहाँ पर 5 मौजूद है, और 1 के लिए क्या है, 1 के लिए जो है ना वहाँ पर 2 मौजूद है। तो अभी तक मैंने कोडोमेन के 3 एलिमेंट देखे, तो तीनों की कोई ना कोई इमेज मौजूद थी। वो अलग बात है कि इस वाले एलिमेंट की 2 इमेज थी, लेकिन थी तो हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज हमें मिल रही है, ठीक है। और देख लेते हैं, तो अभी जब मैंने 7 रखा, 7 एक ऑड नंबर था, तो 7 प्लस 1 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 यानी कि 4 आ जाएगा। इसका मतलब 4 के लिए वहाँ पर क्या मौजूद है, 7 मौजूद। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कोई ना कोई नंबर हमें मिलता जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि हमारा फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है, लेकिन हम ये एग्जांपल देकर वहाँ पर नहीं लिख सकते, वहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाके कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसकी यहाँ पर प्री इमेज ना हो, ऐसा शायद पॉसिबल हो सकता हो। तो इस चीज़ को एक अलग तरीके से लिख के बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये लाइन लिखेंगे कि लेट एन बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन। मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी एक नंबर n को स्मॉल n से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसके बाद हमने लिखा कि इफ़ n इज ऑड देन 2n माइनस 1 इज ऑल्सो n ऑड नेचुरल नंबर। देखिए अगर n ऑड है तो 2n माइनस 1 भी 100% ऑड होगा। अगर आप इस पर भरोसा ना कर पा रहे हो तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, मान लो कि n अगर 3 है तो 2 इंटू 3 माइनस 1 क्या आएगा, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाए। यानी कि अगर ये ऑड है तो 2n माइनस 1 भी हमें क्या देगा, ऑड ही देगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि n हो गया 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अगर आप n ऑड लेते हैं तो 2n माइनस 1 भी क्या होगा, ऑड होगा, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो n अगर ऑड है तो 2n माइनस 1 भी क्या होगा, ऑड होगा। और हमारे फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑड नंबर लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एक बार फंक्शन देख लेते हैं। ये हमारा फंक्शन है, अगर n एक ऑड नंबर है तो हमें लिखना पड़ेगा n प्लस 1 अपॉन 2, और अगर 2n माइनस 1 ऑड है तो देखो क्या लिखेंगे, f 2n माइनस 1 को हम लिखेंगे, हमें लिखना था अगर यहाँ n है तो हम लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन 2, और अगर यहाँ पे 2n माइनस 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n अपॉन 2 आ जाएगा, यानी कि फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। इसीलिए मुझे इस तरह का कॉम्बिनेशन लेने की ज़रूरत थी ताकि हमें वहाँ पर n मिल जाए। अब मान लो कि अगर n एक इवन नंबर है, n इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, देन 2n इज ऑल्सो इवन नेचुरल नंबर, ये तुम खुद ही लिख लेना, ठीक है। अगर n ऑड है तो 2n माइनस 1 ऑड होगा, अगर n इवन है तो 2n जो है वो भी क्या होगा, इवन होगा। तो अगर हम 2n लेते हैं यहाँ पर जो कि एक इवन नंबर है, तो हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग
अगर आप यहाँ पे 2n लेंगे तो e1 के केस में इधर भी क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ n है तो वहाँ पे n है, अगर यहाँ 2n है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो 2n अपॉन 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये दिखा पाने में कामयाब हुए हैं कि चाहे n इवन हो, सॉरी चाहे n ऑड हो या फिर इवन हो, तो उसके लिए कोई ना कोई डोमेन के अंदर ज़रूर एग्जिस्ट है, या तो वो 2n-1 की फॉर्म में होगा या फिर वो 2n वाली फॉर्म में होगा। तो इस बेस पर कहा जा सकता है कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, दस एफ एन टू एन इज ऑन टू फंक्शन। इस तरह के सवालों को थोड़ा सा समझने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो मैं इसके जैसा एक और सवाल आपको दे देता हूँ करने के लिए। तो उसी तरह का एक और सवाल हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो उससे क्या है कि आपको पहला वाला और ये दोनों ही अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगे। एफ एक फंक्शन है जो होल नंबर्स के बीच में बना हुआ है। इसको मैं होल नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ ज़ीरो भी आ रहा है, तो नेचुरल नंबर के साथ अगर ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। तो हमारा फंक्शन इस बार होल नंबर्स के बीच में बना हुआ है और ये फंक्शन है। अगर n इवन होगा तो हम n प्लस वन लिखेंगे और अगर n ऑड होगा तो हम उसको n माइनस वन लिखेंगे। इस बार प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो अगर हमें प्रूव करना है तो हमें 100% उसे 1-1 भी प्रूव करना पड़ेगा और ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। तो 1-1 के लिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम रफ में चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन 1-1 फंक्शन है या फिर नहीं है। तो इधर हमने मान लो 1 लिया है, तो अगर 1 क्योंकि एक ऑड नंबर है तो 1 के लिए हमें उधर क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, और 0 मिल सकती है क्योंकि ये होल नंबर्स है। ऐसे ही मान लो अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 के लिए आपको क्या मिलेगा, क्योंकि इवन के केस में ऊपर वाला लेना पड़ेगा, 2+1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 3 लेते हैं तो 3-1 आपको 2 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप 4 लेते हैं तो 4-1 आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और मुझे इसे वहाँ से जोड़ना चाहिए था, अलग से 3 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम ये दिखा पाने में कामयाब हुए हैं कि चाहे n इवन हो, सॉरी चाहे n ऑड हो या फिर इवन हो, तो उसके लिए कोई ना कोई डोमेन के अंदर ज़रूर एग्जिस्ट है, या तो वो 2n-1 की फॉर्म में होगा या फिर वो 2n वाली फॉर्म में होगा। तो इस बेस पर कहा जा सकता है कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, दस एफ एन टू एन इज ऑन टू फंक्शन। इस तरह के सवालों को थोड़ा सा समझने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो मैं इसके जैसा एक और सवाल आपको दे देता हूँ करने के लिए। तो उसी तरह का एक और सवाल हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो उससे क्या है कि आपको पहला वाला और ये दोनों ही अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगे। एफ एक फंक्शन है जो होल नंबर्स के बीच में बना हुआ है। इसको मैं होल नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ ज़ीरो भी आ रहा है, तो नेचुरल नंबर के साथ अगर ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। तो हमारा फंक्शन इस बार होल नंबर्स के बीच में बना हुआ है और ये फंक्शन है। अगर n इवन होगा तो हम n प्लस वन लिखेंगे और अगर n ऑड होगा तो हम उसको n माइनस वन लिखेंगे। इस बार प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो अगर हमें प्रूव करना है तो हमें 100% उसे 1-1 भी प्रूव करना पड़ेगा और ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। तो 1-1 के लिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम रफ में चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन 1-1 फंक्शन है या फिर नहीं है। तो इधर हमने मान लो 1 लिया है, तो अगर 1 क्योंकि एक ऑड नंबर है तो 1 के लिए हमें उधर क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, और 0 मिल सकती है क्योंकि ये होल नंबर्स है। ऐसे ही मान लो अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 के लिए आपको क्या मिलेगा, क्योंकि इवन के केस में ऊपर वाला लेना पड़ेगा, 2+1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 3 लेते हैं तो 3-1 आपको 2 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप 4 लेते हैं के लिए 5 मिल जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हर अलग अलग एलिमेंट के लिए वहाँ पर अलग अलग इमेज हमें मिल रही है। तो इस एग्जांपल को देखकर कहा जा सकता है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक 1-1 फंक्शन है। लेकिन इसको जब हम फेयर में यहाँ पे लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका टोटली डिफरेंट होगा। किसी भी फंक्शन को 1-1 अगर प्रूव नहीं करना तो उसके लिए आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, बस एग्जाम्पल देकर आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी फंक्शन को 1-1 प्रूव करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी कि एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू, तो एक्स वन इजिकल टू क्या आ जाना चाहिए, एक्स वन इजिकल टू एक्स टू आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे फेयर में करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस बार प्रूव करना है अपने फंक्शन को वन वन भी और ऑन टू भी। तो करते हैं, तो सबसे पहले तो हमने दो नंबर ले लिए x1 और x2, और मान लिया कि दोनों किससे बिलोंग करते हैं, n यूनियन 0 से। ये यूनियन थोड़ा सा पतला बन गया है लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे इफ़ x1 एंड x2 बोथ आर इवन। अगर ये दोनों के दोनों नंबर इवन है, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ये दोनों इवन भी हो सकते हैं, ये दोनों ऑड भी हो सकते हैं, इनमें से एक इवन और दूसरा ऑड भी हो सकता है, तो उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे देन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, जैसा हम हमेशा लिखते हैं। अब क्योंकि दोनों के दोनों इवन हैं तो दोनों के लिए ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स वन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टू प्लस वन। इसके बाद वन से वन कैंसिल हो जाएगा और एक्स वन इजिकल टू एक्स टू बड़े आराम से आ जाएगा। लगे हाथों ये भी लिख देते हैं कि अगर दोनों ओड होंगे तो क्या होगा, इफ़ एक्स वन एंड एक्स टू बोथ आर ओड, अगर दोनों के दोनों ओड हैं तो क्या होगा। तो फिर हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, उससे पहले हम लिखेंगे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, उसके बाद ओड के लिए आएगा x1 माइनस वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, x1 इज इक्वल टू एक्स टू। तो दो केस तो पूरे हो गए, अगर दोनों इवन हैं तो भी x1 बराबर x2 आ जाएगा, अगर दोनों ऑड हैं तो भी x1 बराबर x2 आ जाएगा। लेकिन एक केस और बचा है कि अगर इनमें से एक इवन है और दूसरा ऑड है तब क्या होगा, उसको देखने के लिए चलते हैं और अगले पेज पर। और उसमें भी दो केस हो सकते हैं कि पहला वाला इवन है दूसरा ऑड है, पहला ओड है दूसरा इवन है, तो अगले पेज जो है वो पूरा भरेगा इसको करने में, मतलब हमें यहाँ पे बाल की खाल निकालनी पड़ती है। तो पहली बात तो ये है कि अगर उनमें से एक इवन है और दूसरा ओड है तो इसका मतलब वो दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते एक दूसरे के, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू के इक्वल नहीं हो सकता, नो। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अब x1 को ऑड ले लेते हैं, x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, तो फिर से वही बात आ जाएगी, अगर एक ऑड है पहले वाला और दूसरा इवन है तो फिर से x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं होगा, implies that fx1 is not equal to fx2। तो देखिए वन वन प्रूव करने के लिए जैसे हम शुरुआत करते हैं कि हम ऐसे शुरुआत करते हैं कि एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू होता है और एंड में सॉल्व करते हुए एक्स वन इजिकल टू एक्स टू आ जाता है, इसी तरह से हम उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है तो एफ एक्स वन को भी एफ एक्स टू के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो वन वन के लिए उल्टा ये भी किया जाता है। तो इस सब बेस पर कहा जा सकता है कि हमारा जो फंक्शन है एफ वो एक वन वन फंक्शन है। तो वन वन वाला जो केस है उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो हमने दो नंबर ले लिए थे एक्स वन और एक्स टू जो इस डोमेन से बिलोंग करते थे, अगर दोनों के दोनों इवन हैं तो ये आएगा, मतलब एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा, और दोनों ऑड हैं तब भी एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा। लेकिन मान लो एक इवन है और दूसरा ऑड है, तो पहली बात तो इवन और ऑड एक दूसरे के इक्वल हो नहीं सकते। तो हमने ये भी दिखाया कि अगर दोनों अनइक्वल हैं तो एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू के इक्वल नहीं आ सकता। आप इसको करके भी देख सकते हैं, एफ एक्स वन की वैल्यू आप रखेंगे, अगर एक्स वन इवन है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वन प्लस वन, क्योंकि हमें जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग यही है, अगर ये एन इवन है तो आप एन प्लस वन लेंगे, हमने लिया एन प्लस वन, और अगर एन ऑड है तो आप लेंगे एक्स वन माइनस वन। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं कहे जा सकते। तो हमने बोला कि x1 अगर x2 के इक्वल नहीं है तो fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं है। इसी तरह से अगर उल्टा हो जाए कि ये ऑड हो जाए वो इवन हो जाए तो भी सेम केस आ जाएगा। तो काफ़ी सारा मतलब इसमें हमें इस तरीके से करना पड़ता ही है। तो ये तो हो चुका है कि 1 1 ये फंक्शन है, अब बारी आती है ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए भी पहले हम रफ में चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं है।
तो डब्लू डब्लू के बीच बना हुआ फंक्शन है, मैं उसको डब्लू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इस तरह से दे रखा है। तो नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो और ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर ही बन जाता है। तो इधर कोई नंबर ले लेते हैं जैसे कि वन, तो देखते हैं कि इधर कोई उसके प्री इमेज मौजूद है या फिर नहीं है। तो ऐसे तो पता लग नहीं पाएगा, यहीं पे रख के देखते हैं। अगर हमने वन रखा तो ऑड नंबर की वजह से वन माइनस वन हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। इसी तरह से अगर हम टू रखते हैं तो इवन होने की वजह से टू प्लस वन कितना आ जाएगा, थ्री। ऐसे ही अगर हम फोर रखते हैं, सॉरी थ्री आएगा इसके बाद, तो थ्री माइनस वन कितना आ जाएगा, टू। और ऐसे ही अगर हम फोर रखते हैं तो फोर प्लस वन कितना आ जाएगा, फाइव। तो अब अगर हम इनको वहाँ पर लिस्ट करेंगे तो ज़ीरो के लिए वहाँ पर एक ज़ीरो है, उसके लिए इधर वन है, वहाँ पे टू है, टू के लिए क्या है, थ्री है, वहाँ पर थ्री है, थ्री के लिए इधर क्या है, टू है, वहाँ पर फाइव है, फाइव के लिए यहाँ पे क्या है, फोर है। लेकिन अभी तक मुझे वन के लिए कुछ नहीं मिला, वन के लिए इधर ना ज़ीरो होगा। अगर आप ज़ीरो लेते हैं, बहुत से बच्चे ये नहीं जानते कि ज़ीरो इवन होता है या फिर ऑड होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ज़ीरो एक इवन नंबर होता है। तो अगर इवन होगा तो इवन के केस में क्या है ना, अगर हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे जो वन है उसके लिए इधर क्या मौजूद होगा, ज़ीरो मौजूद। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर मौजूद है। तो इस बेस पर, इन एग्जांपल्स के बेस पर तो कहा जा सकता है हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, लेकिन वहाँ पर ये एग्जांपल नहीं दिए जा सकते। अगर किसी फंक्शन को नो प्रूव करना हो कि वो ऑन टू नहीं है तो आप एग्जांपल देकर काम चला सकते हैं, लेकिन अगर प्रूव करना है कि वो ऑन टू है तब एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, तब वैसी ही थ्योरी लिखनी पड़ेगी जैसी अभी तक हम लिखते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने जो दिया गया सेट था उसके अंदर एक एलिमेंट ले लिया एन, ठीक है। अब n के दो केस हो सकते हैं, पहले तो इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड होगा तो जैसे पिछले सवाल में किया था, अगर n ऑड होगा तो n माइनस वन क्या होगा, इवन होगा। और इवन के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, n प्लस वन लिखना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे लेंगे f f n माइनस वन जो कि एक इवन नंबर है, तो उसके लिए n प्लस वन लिखेंगे, लेकिन अभी n की जगह हमें लेना है n माइनस वन। और देख लीजिए ज़रा यहाँ पे, अगर n इवन है तो उसके लिए हमें n प्लस वन लेना होगा। तो जब हम n प्लस वन लेंगे तो n की जगह, क्योंकि n माइनस वन लिया जा रहा है, तो n माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा और प्लस वन, उसके बाद वन से वन कट जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। इसी तरह से अगर n इवन होगा तो फिर ऑड क्या होगा, तो n प्लस वन जो है वो ऑड हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, टू एक इवन नंबर है तो टू प्लस वन यानी कि थ्री क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। और ऑड नंबर के लिए हमें ये नीचे वाला लेना पड़ेगा, तो f n प्लस वन ऑड नंबर के लिए नीचे वाला लेना पड़ेगा। और n प्लस वन जब यहाँ पर लिखेंगे हम तो, और लास्ट में क्या है, माइनस वन है, तो माइनस वन लिखेंगे यहाँ पर जब, तो वन से वन कट जाएगा, फिर से हमें क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने पिछले सवाल की तरह से फिर दिखा दिया कि एन चाहे इवन हो या ऑड हो, उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर मौजूद होगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि फॉर एवरी एलिमेंट इन को डोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन डोमेन, सो एफ इज़ ऑन टू फंक्शन। अब क्योंकि वन वन ऑन टू दोनों हो गया, इसलिए ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। तो ये सवाल थोड़े से लिखने में ऐसे ही होते हैं, थियोरेटिकल सवाल हैं ये, और इनको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनको किस तरह से लिखा जाता है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये इजी लगने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज का दसवां सवाल है, देख लेते हैं इसको भी। ए और बी दो सेट दे रखे हैं, ए के अंदर सारे रियल नंबर होंगे लेकिन थ्री नहीं होगा, बी के अंदर सारे रियल नंबर होंगे लेकिन वन नहीं होगा। तो ए का तो समझ में आता है कि अगर थ्री हो गया यहाँ पे तो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो की वजह से ये हो जाएगा अनडिफाइंड। बी का शायद हमें तब समझ में आएगा जब हम ऑन टू के लिए इस फंक्शन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिलहाल हमें चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है या फिर नहीं है। तो वन वन के लिए स्टार्ट करते हैं, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू से स्टार्ट यहाँ से करेंगे, और सॉल्व करते करते एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू ले आएंगे। तो एफ एक्स वन की जगह क्या आएगा, एक्स वन माइनस टू और एक्स टू माइनस थ्री, और उधर क्या आएगा,
सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, दोनों जगह पे एक्स वन ही आएगा। एक्स टू अगर यहाँ पे करेंगे तो दोनों जगह एक्स टू आ जाएगा, एक्स टू माइनस टू और एक्स टू माइनस थ्री, इस तरह से लिखा जाएगा। अब की जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स वन माइनस थ्री और एक्स टू माइनस टू। तो मैंने इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी है, अब आगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा और सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो माइनस का थ्री एक्स वन और माइनस का टू एक्स वन ये उधर चला जाएगा तो एक्स वन रह जाएगा, और थ्री एक्स टू जब इधर आएगा तो इधर बचे जाएगा एक्स टू। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो बड़े आराम से प्रूव कर दिया कि हमारा फंक्शन एक वन वन फंक्शन है। ठीक है, वन वन प्रूव करने के बाद अब बारी आती है ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि लेट वाई बिलोंग्स टू बी। बी का मतलब यहाँ पर को डोमेन से है, और एक बार आप देख लीजिए उसको, देखिए ये डोमेन है और ये को डोमेन है। तो वाई जो है ना इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वाई जो है वो वन के इक्वल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइड में कि दस वाई इज़ नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि उसमें सेट बी में इसी तरीके से दिया हुआ है कि सारे रियल नंबर आप ले सकते हैं लेकिन वन नहीं ले सकते। इसके बाद क्या करना होता है ऑन टू प्रूव करने के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखना पड़ता है। एफ एक्स की जगह पर वो फंक्शन आ जाएगा पूरा, ये फंक्शन है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा कि यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए, ये वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई। इसके बाद सारे एक्स जो हैं उनको एक साइड किया जाएगा। आपको याद होगा इस तरीके से हम रेंज भी निकाला करते थे क्लास इलेवेंथ में, कि एफ एक्स को वाई के इक्वल पुट करके। तो ये एक्स वाई इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा और टू उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक्स कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा वन माइनस वाई, तो टू प्लस थ्री वाई डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा थ्री वाई प्लस टू अपॉन वन माइनस वाई। अब देखो ज़रा, अगर y वन के इक्वल हो जाता तो यहाँ पे वन लिखते ही वन में से वन जाके क्या बचती, ज़ीरो, और ये हो जाता अनडिफाइंड। इसलिए वहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि y जो है वो वन के इक्वल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमने दिखाया कि जो भी y लिया जाएगा को डोमेन में से, उसके लिए वहाँ पर एक x ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, और वो x किसके इक्वल होगा, थ्री वाई प्लस टू अपॉन वन माइनस वाई के। यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया कि दस फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि को डोमेन देयर एग्जिस्ट सम एक्स इज इक्वल टू दिस बिलोंग टू ए, यानी कि डोमेन, इसके ब्रैकेट में आप डोमेन भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे ए और बी पूरी तरह से क्लैरिफाई हो रहे हैं कि बी जो है वो डोमेन, सॉरी को डोमेन है, और ए जो है वो क्या है, डोमेन। और एक थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक भी हो गई है, थ्री वाई जो था ना माइनस का था और मैंने प्लस लगाया हुआ है, तो इसको सही कर देता हूँ। तो ये मैंने ठीक कर दिया। तो हमने कहा कि हर एक वाई जो कोडोमेन के अंदर होगा उसके लिए एक एक्स डोमेन में मौजूद होगा, और वो एक्स इक्वल होगा माइनस थ्री वाई प्लस टू अपॉन वन माइनस वाई के, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, एक्स की जो वैल्यू है ना पूरी की पूरी, जब आप इसको फंक्शन में पुट करेंगे यहाँ पर, और जो फंक्शन दे रखा है हमें, ये देखिए ज़रा, यहाँ पे जब x की ये पूरी वैल्यू पुट की जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी, और जब इस पूरे को सॉल्व किया जाएगा तो आपको निकल के मतलब y मिल जाएगा। ये आप अपने चेक करने के लिए कर सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि हर y के लिए एक x मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। वन वन वो पहले ही हो गया था, वन वन ऑन टू दोनों होने की वजह से अब हम इसे एक बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा सवाल था, और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज के सारे इम्पोर्टेंट सवाल जो इस पेज पर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल नंबर 11 और 12 बहुत ही आसान है, छोटे छोटे फंक्शन दे रखे हैं, इनके बारे में आपको चेक करना है कि ये वन वन ऑन टू हैं या फिर नहीं है, ये काम आप खुद ही कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो जिसमें आपने वन वन ऑन टू सीखा है, ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि सारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में सब समझ में आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, कोई बात कहना चाहें तो कमेंट्स में उसको लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।